सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज तो जहानाबाद का ब्लॉग नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए हम कहाँ आ चुके हैं। मैं जहानाबाद से आज घर आ चुका हूँ, तो आज घर का ही नज़ारा दिखाने वाले हैं आप लोगों को। और आज जाएंगे दाऊद नगर, क्योंकि कुछ काम है और घूमने जाना है। तो आज है मुहर्रम, तो मुहर्रम के आप सभी को मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ मुहर्रम की। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मेरे साथ एक मेरा दोस्त है जिससे आपको मिलवाते हैं। सो देखिए, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरा इसका नाम है मंगेश, देख लीजिए आई फोन चला रहा है। और गांव से घर से इधर घूमने आया हूं गांव तरफ। गाइस देखिए, गांव में धान रोपा गया है और बहुत ही मज़ा आता है। गाँव का नज़ारा कुछ अलग सा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए पूरा घूम कर यहाँ सब, इधर पानी वानी है, यहाँ पे पेड़ है। ये देखिए मंगेश है, अभी फ़ोन चला रहा है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। घूम कर जा रहे हैं अभी घर, और घरे जाकर अपना घर दिखाते हैं। घर तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टूटा फूटा घर है तो क्या दिखाएं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये हमारे गांव का कुछ पुल है, छोटा सा दिखाते हैं आप लोगों को। यही पुल है और ये मेरा गांव है। यहाँ पे कुछ घर उर है, देखिए यही मेरा गांव है। पतला लंबा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इधर पूरा खेत हरा भरा लग रहा है, धान रोपा गया है इधर से। और मेरे परछाई देखिए, पोस्ट भी करेंगे तो देख लीजिए। मेरे गांव का स्कूल है, देखिए। ज़्यादा बड़ा कैमरा तो है नहीं, मोबाइल से भी वीडियो बनाता हूँ तो उतना जूम नहीं हो पाएगा। उधर देवी स्थान है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और घर जाकर दिखाते हैं, और दाऊद नगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, यही मेरा गांव है देखिए, और मेरा अपना घर भी दिखाता हूँ। ये टूटा फूटा गांव मेरा है, अपना घर भी दिखाता हूँ। देखिए सामने वाला जो नीला कलर का पेंट किया वाल लोक रहा है, वही मेरा घर है। देखिए दिखाते हैं। दोस्तों, यही मेरा घर है। ये मेरा रूम है, तो इसमें सब देखिए, आज धुआया है, पूरा रूम धुला है, तो कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा का फोटो है बहुत पहले का, देखिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दाऊद नगर निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे, नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोग दाऊद नगर के लिए निकल चुके हैं, और ये मैं हमको ड्रॉप कर रहा था करपी तक, लेकिन इसका साइकिल ही पंचर हो गया, और ये अपना मस्ती में लगा हुआ एयरफोन लगा कर, और क्या करे। देख लीजिए हमारे गाँव का नज़ारा भी पीछे हुए हुआ है। और करपी तक जाएगा, बनवाएगा साइकिल, और वहाँ से हम गाड़ी धर लेंगे, बस। वहाँ से बस धरने के बाद निकलेंगे, और ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बस पर बैठने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है नज़ारा। तब तक आप लोगों को पीछे वाला नज़ारा दिखाते हैं। रोड पूरा धुप्पा है, कड़ा है एकदम, पूरा पूरा कड़ा है धुप्पा। दिखाते हैं आपको पीछे वाला नज़ारा, देखिए। तो दोस्तों देखिए, कितना धुप्पा है, कड़ा धुप्पा किया हुआ है। मेरा एक दोस्त है गांव का, वही अभी साइकिल से जा रहा था तो उसके साथ बैठ गया, देखिए। और मंगेश पीछे आ रहा है, वह देखिए, मंगेश अभी पीछे आ रहा है। थोड़ा स्लो चलो ना, आने दो। देखिए अब स्टैंड में जाकर बस पकड़ेंगे। अभी तो म्याज पक चुका है धुप्पा से, और वो आ रहा है अभी।
देखिए साइकिल कैसे लेके आ रहा है, दिखाते हैं बैक कैमरा से। खाद लेने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है पूरा खाद लेने के लिए। सो दोस्तों करपी हम पहुंच चुके हैं और चलिए दिखाते हैं। गाइस मैं दाउदनगर पहुंच गया और बहुत ज़्यादा थक गया था, तो आने के बाद एक नींद सो लिया, उसके बाद खाना वाना खा के फ्रेश हो चुका हूँ। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगा और बहुत ज़्यादा ही थक गया था। सो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के एक नए ब्लॉग के साथ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, टाटा।